हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कलाकारी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेड पेपर सूप। तो हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैं बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ। इसमें कोई भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल मैं साबुन ले ली हूँ जिससे हम नहाते हैं। आप कोई सा भी साबुन ले सकते हैं। और ये मैं एक पेंट ब्रश हूँ, एक पेपर प्लेट ली हूँ और एक सिंपल पेपर ली हूँ। किसी भी कॉपी का आप पेपर ले सकते हैं। ये मैं सबसे पहले एक पेपर को लेके चार पीस कर दी, फिर उन्हीं चार पीस को और छोटा करके मैंने ये एट पीसेस किए। अब इसी तरीके से उन एट पीसेस को और छोटा करके मैंने ये ढेर सारे पीसेस कर लिए हैं पेपर के। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं इतने अच्छे से आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। नहीं तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ही दिखाती। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये इतने छोटे छोटे पीसेस सिर्फ एक पेज के किए। और मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई कि आप लोग इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ आप किसी भी बाउल में थोड़ा सा पानी भी ले लीजिएगा। इस तरीके से हम पहले अपने पेंट ब्रश में पानी टच करेंगे, उसके बाद फिर हम साबुन में करेंगे, उसके बाद से फिर हम ऐसे एक एक करके सभी पेपर्स में साबुन को अच्छे तरीके से लगा लेंगे, वो भी फ्रंट साइड भी और उसके बैक साइड भी। और उसको पूरे एक रात तक हम यूँ छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें उन सभी पेपर्स में आगे और पीछे दोनों साइड में अच्छे तरीके से साबुन लगा लेना है। तो चलो मैं अच्छे तरीके से साबुन लगा लेती हूँ सभी पेपर्स में, वो भी आगे और पीछे दोनों साइड में। दिखा नहीं पाई आगे और पीछे दोनों साइड का, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आगे और पीछे दोनों साइड लगाना है। सॉरी क्योंकि मेरा वीडियो इतना लेट आया हो। और वीडियो को हाँ एंड तक ज़रूर देखिएगा ये देखने के लिए कि इन सभी का मतलब इस पेपर सब का रिज़ल्ट क्या आया। तो हम इसे अब रात भर सूखने के लिए छोड़ देंगे और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि अब से थोड़ी जल्दी और वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। और वैसे तो आप लोग जानती हैं अब रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि पढ़ाई भी करना है, वीडियो भी बनाना है, एडिटिंग भी करना है और अपलोड भी करना है मुझे। तो आप ये देख सकते हैं ये सूख चुका है। और जो मैंने पेपर प्लेट में से सूखने के लिए रात भर छोड़ा था, तो पेपर प्लेट कलर भी इसके ऊपर आ गया है पर्पल और ऑरेंज कलर का, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा ये पेपर सूप कैसा बना है। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ना करना भूलें, मतलब शेयर भी करें। और हाँ, अपने चैलेंजेस कमेंट करना मुझे ना भूलें। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताएं कि मेरा ये पेपर सूप वाला वीडियो कैसा लगा और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।